हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिजलिंग प्लेट विद फाकरी। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। ये देखिए कितने मज़ेदार दिख रहे हैं और कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, एकदम बड़े बड़े से, जैसे एकदम मैकडोनल्ड वाले, वो भी एकदम क्रीमी सॉस के साथ। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। इसको बनाने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं ये क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़। ये देखिए कितने अच्छे टूट रहे हैं ना, एकदम क्रिस्पी हो गए अंदर से और बाहर से। बिल्कुल 5 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको हमें कैसे बनाना है और हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं बड़े साइज़ के, मैं इसको 20 से आधा आधा कर लूँगी। ये देखिए हम बड़े आलू लेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि उसके फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो लंबे लंबे बनते हैं, अच्छे बनते हैं। ये देखिए ये दूसरे आलू को भी मैं काट लूँगी। और यह जो हमारा आलू है ना, ये मोटा है, तो इसको मैं एक और इसकी लेयर जो है ना, एक और परत काटूँगी। देखिए ये ऐसे, ये इस तरह से हमको जो ऊपर वाले आलू हैं इसको ऐसे काट लेने हैं। और आप अगर बड़े आलू लेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि जब हम उसको कटिंग करेंगे तो उसके अच्छे पीसेस बनेंगे। ये देखिए अब इस तरह से मैं इसके पीसेस कर लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे और एकदम लंबे लंबे बन रहे हैं। जब हम इसको फ्राई, ज़्यादा पतले नहीं करने, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पतले कर देंगे तो फ्राई करने में वो और पतले हो जाते हैं और थोड़े और अजीब से हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े। इसलिए हमको स्लाइस जो इसकी है वो मोटी रखनी है और बड़ी रखनी है। ये देखिए मैंने यहाँ पे कटोरे में पानी लिया है, हम काट के और उसके जो पीसेस है उसको पानी में डालते रहेंगे ताकि वो अपना रंग ना बदले, काले ना हो। ये देखिए सारे पीसेस मैंने काट लिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से धो लूँगी, 5 मिनट का पानी में भिगा के रख दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से धो लिया है, 2 दिन पानी से इसको मैंने साफ़ कर लिया है। और उसके बाद मैंने इसको एक कपड़े में रख के पोछा भी है, क्योंकि ये बिल्कुल गीले नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल सूखे होना चाहिए। आप अच्छे से इसको धोने के बाद पोछ लीजिएगा। ये मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है चाय वाले 3 चम्मच भर के। अब मैं इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए। अब मैं ये फ्राई करने के लिए रेडी है, तो चलिए मैं इसको फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये कढ़ाई रखी है, अब मैं इसमें फ्रेंच फ्राइज़ डाल रही हूँ। इसको हमें गैस को ज़्यादा फुल पे नहीं रखना है, मतलब हमारा जो तेल है ना, ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। क्योंकि हम इसको अगर स्टार्टिंग से ही हम इसको ज़्यादा में गर्म करेंगे ना, तेज़ में, तो ये अच्छे नहीं बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे, सिर्फ ये जल जाएंगे। तो पहले तो आप इनको है ना स्लो में करिएगा। देखिए 5 मिनट पहले मैं इनको स्लो में पकाऊंगी, जब ये थोड़े से अपना रंग चेंज करेंगे ना, उसके बाद मैं इसको फुल करूँगी। देखिए ये मैं इसको फुल कर दिया है और ये कितने अच्छे बने हैं। देखिए ऐसा कलर कितना अच्छा है, गोल्डन ब्राउन हल्का। तो बस अब हमको इसको निकाल लेना है और जो हमारे बाकी के फ्रेंच फ्राइज़ है उनको भी मैं ऐसे ही फ्राई कर लूँगी। ये देखिए कितनी जल्दी बनते हैं ना, बिल्कुल भी टाइम नहीं, और बिल्कुल मैकडोनल्ड वाले फ्राइज़। वहाँ आपको अब मैकडोनल्ड जाने की झंझट नहीं, घर में मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ बनाए। देखिए रेडी हो चुके हैं हमारे फ्रेंच फ्राइज़। तो बस मैं एक सॉस बना लेती हूँ। ये देखिए हमारी चीज़ी सॉस, मैंने सॉस में एक चम्मच मेयोनीज लिया है और आधा चम्मच टमाटो केचप, दोनों को मिक्स कर लिया है और बन गई हमारी ये सॉस। मैंने ये सॉस पहले ही बनाई है, आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जाके। हमारी सॉस क्रीमी सॉस के साथ में ये बहुत ही मज़ेदार दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी फटाफट बनाइए अपने घर में और मुझे कमेंट्स करिए कि आपको ये फ्रेंच फ्राइज़ कैसे लगे। इंजॉय, अपने घर में पार्टी ज़रूर मनाइएगा फ्रेंच फ्राइज़ बना के। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे वीडियोस को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय।